दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी कारणवश आपको अपना जॉब चेंज करना पड़ा है और अब आपको अपनी आईटीआर भी फाइल करनी है, तो आपके पास नॉर्मली अब दो फॉर्म 16 होंगे, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म 16 होंगे। तो किस तरह से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक से ज़्यादा फॉर्म 16 हो या नहीं हो, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा दोस्तों, मैं हूँ सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। तो अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जॉब चेंज की है, तो यहाँ पे हम तीन सिनेरियो में अलग अलग डिस्कशन करते हैं कि अगर जब आपने जॉब चेंज की तो आपके दो एम्प्लॉयर हो गए पिछले फाइनेंशियल ईयर में और दोनों ने ही आपको फॉर्म 16 दे दिया है, ऐसे केस में आप कैसे अपना आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया और एक ने नहीं दिया। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ही एम्प्लॉयर ने आपको अपना फॉर्म 16 नहीं दिया है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट नज़दीक आ गई है और आपको अपना रिटर्न फाइल करना अब ज़रूरी हो गया है। तो किस तरह से आप फाइल कर पाएंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न, इन ये तीनों सिनेरियो में एक एक करके आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि दोनों ही एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दे दिया है। सबसे आसान कंडीशन, इजी कंडीशन यही है कि आपको फॉर्म 16 मिल गया है। दोनों जगह से आपको अपना इनकम फ्रॉम सैलरी में डालना होगा, जो भी आपको डिडक्शन क्लेम करने हैं वो डिडक्शन में डालना होगा। सब चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्म 16 में से सारी चीज़ें आपको एक एक करके जोड़नी है और जोड़ के आपको फिगर्स डालनी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। आईटीआर 1 अगर आप फाइल कर रहे हो या कोई भी आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, तो दोनों फॉर्म 16 से डिटेल को ऐड करिए और रिस्पेक्टिव जगह पे डालिए और आप इस तरह से अपना आईटीआर तैयार कर पाएंगे अगर आपको दो फॉर्म 16 मिला है तब। प्रैक्टिकली ज़्यादातर ये देखा गया है, जब हम जॉब चेंज करते हैं तो दो जगह से जब फॉर्म 16 मिलता है तो जो एम्प्लॉई होता है वो अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर से रिलेटेड इनकम की डिटेल नहीं देता है। इससे क्या होता है, कुछ डिडक्शन उसको दोनों फॉर्म 16 में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर बात करें तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पुराना एम्प्लॉयर भी दे देगा और नया एम्प्लॉयर भी दे देगा और इसके अकॉर्डिंग आपका TDS काट लेगा। हो सकता है 1.5 लाख का ATC का बेनिफिट आपको पुराना वाला भी दे दे और नया वाला भी दे दे। ऐसे केस में क्या होगा, आपका TDS कम कटेगा और जब आप ये दोनों फॉर्म 16 की डिटेल्स जोड़ोगे तब आप देखोगे कि आपका टैक्स पेबल बन रहा है, क्योंकि ऐसे केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दो बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। यानी 50,000 का बेनिफिट एक ही बार लोगे आप और 80C में भी जो 1.5-1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको दो बार मिल गया, या कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन आपने दो बार क्लेम कर लिया गलती से, वो सारे एक ही बार मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन क्या होता है, आपका टैक्स बन जाता है। तो अपना टैक्स सही ढंग से कैलकुलेट करिए और जो भी टैक्स बनता है उसको पे करिए और अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए। दूसरे सिचुएशन में हम ये कंसिडर करते हैं कि एक एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया है और एक ने नहीं दिया है। तो जिसने फॉर्म 16 दिया है वहां से आप डिटेल उठा लीजिए अपने सैलरी से रिलेटेड, और जिसने फॉर्म 16 नहीं दिया है उसने आपको पे स्लिप दिया होगा। पे स्लिप भी नहीं दिया है तो आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ होगा, और अगर बैंक में भी पैसा नहीं आया है, कैश पैसा मिला है, तो आपको क्या करना है, आपकी इनकम से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिला है वो सारा ऐड कर लीजिए। जो फॉर्म 16 में है वो तो फॉर्म 16 में है, और फॉर्म 16 के अलावा जितने भी महीने आपको जो भी सैलरी मिली है वो ऐड कर लीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी में टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा दीजिए दोनों जगह से ऐड करके। डिडक्शन वैसे ही आपको एक ही बार मिलेगा और इतनी डिटेल डालने के बाद में अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो टैक्स पे करके अपना आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। और अब लास्ट सिचुएशन में, जब दोनों ही एम्प्लॉयर हमारे को फॉर्म 16 नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो ये सारी एक्सरसाइज हमें दोनों एम्प्लॉयर के लिए करनी होगी। या तो पे स्लिप होगा हमारे पास में, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट होगा, या फिर बैंक में एंट्री आई होगी, या कैश में पैसा मिला होगा अगर आपकी, तो आपको दोनों जगह से ये डिटेल्स ऐड करनी है। आपके सैलरी से रिलेटेड जो भी डिटेल है, ग्रॉस सैलरी से रिलेटेड वो ऐड कर लीजिए, डिडक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर लीजिए, अपने ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर लीजिए, नेट सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में अगर आपका एक्सेस कुछ टैक्स पेबल बन रहा है तो वो पे कर दीजिए और अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए। तो तीनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपको दोनों जगह से जो भी इनकम मिली है उसको ऐड करना है, डिडक्शन को आपको ऐड करना है,
बस हो सकता है जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप ये एडिशन और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसने आपको फॉर्म 16 दिया है और किसने आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर दे दे, क्योंकि फॉर्म 16 एक समरी होता है जो अगर हमारे पास में हो तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और वहां से सारी डिटेल एक जगह पे मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके।